नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबर की ओर। आज दिनांक 14 अप्रैल 2022 को भोपाल में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर सर्वप्रथम एमपी नगर स्थित अंबेडकर चौक में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रातःकाल इस कार्यक्रम को पूर्ण कर तत्पश्चात जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में बाबा साहेब अंबेडकर के चित्र पर पुष्पमाला भी अर्पित किए गए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल जी ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब के विचारों एवं सिद्धांतों पर जोर देकर कहा कि संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते बाबा साहेब के द्वारा निर्मित भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों को भारतीय समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की याद में नारे भी लगाए और उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में मुख्य रूप से श्री संजय सिंह, श्री अयाज अली, श्री रमेश, श्री मोहन, श्रीमती पूजा पेंड्रा, श्री संजय बागमारे और अन्य कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर जनता दल यू के द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और जैसा आप जानते हैं, जनता दल यू ने आज का दिन संविधान सम्मान के मनाने का निर्णय लिया है। बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए संकल्प लेते हैं कि उनके द्वारा स्थापित सम्मान का सम्मान रहेगा। बाबा साहब की जयंती हम जनता दल के प्रदेश कार्यालय में मना रहे हैं। और जैसा कि हमने निर्णय लिया था कि हम आज के दिन को संविधान सम्मान दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाएंगे, इसीलिए आज सभी लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है कि आज के वर्तमान समय की आवश्यकता है कि भारत का जो संविधान है उसमें प्रदत्त जो शक्तियां हैं उसका हम सम्मान करें और उन अधिकारों का प्रयोग करें। साथ ही साथ संविधान में जो हमें बाबा साहब ने शक्तियां प्रदान की थी कि हम समाज का वो वर्ग जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, अति पिछड़ा समाज जो आदिकाल से अपने आप को उपेक्षित महसूस करता आ रहा है, उसके उत्थान के लिए काम करें। आज की जो हमारी यहाँ पर विचार संगोष्ठी हुई है, सभी लोगों ने अपने विचार रखे, हम सब इस बात का संकल्प लेते हैं, जनता दल यू मध्य प्रदेश संकल्पित है कि बाबा साहब के संविधान में जो प्रदत्त शक्तियां हैं उन शक्तियों में जो उनका सपना था कि पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को सम्मानजनक स्थान मिले, उनको उनका अधिकार मिले, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और जनता दल यू बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे। हम दिखाते रहे खबर आपको, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।